उसमें आपसे पूछ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन कौन कौन है बेटा रिएक्शन में आपको दिया है N2 गैस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज एच ये मिलके क्या बनाएंगे ये बनाएंगे बेटा एन गैस ठीक है ओके कितना कितना मास दिया है आपको यहाँ पर गिवन है मास एन टू आपको दिया है बेटा फिफ्टी के जी एंड एच टू आपको दिया है कितना टेन के जी ओके सबसे पहले क्या करना है ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ये होनी चाहिए बैलेंस तो अभी तो ये बैलेंस नहीं है बेटा सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन हो जाएंगे सिक्स और यहां पर ऐसे करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा सिक्स ठीक अब ये बैलेंस है ओके okay. इस क्वेश्चन को बेटा हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है या तो हम सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो करें मोल्स के टर्म्स में या फिर हम सारा का सारा कैलकुलेशन करें मास एनसीआर टर्म्स में आपके एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन गिवन है वो किया हुआ है बेटा मोल्स के टर्म्स में हम दोनों तरीके देखेंगे वन बाय वन करके तो सबसे पहले हम मास से सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे मोल्स की ठीक है तो मास आपको इतना गिवन है बेटा हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे स्टिक्योमेट्रिक वेट

तो अगर हम सेक्योमेट्रिक वेट की बात करेंगे बेटा तो वो तो हम अमोनिया के लिए भी निकाल सकते हैं कितना जाएगा टू इन टू एन एस थ्री का मास कितना प्लस थ्री सेवन टू थर्टी फोर ग्राम ठीक है इतना आया ओके okay. अब हमें क्या करना है बेटा सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट वो कैसे देखेंगे देखो अगर हम मास के टर्म्स में ही बात करें बेटा तो यहां पर अगर हम एन टू और एच टू को लेकर बात करेंगे तो ट्वेंटी एट ग्राम एन टू रियक्ट करता है सिक्स ग्राम एच टू के साथ ओके ठीक है आपको कितना दिया है आपको दिया फिफ्टी के जी एंड टेन के जी तो यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे तो यहां पर अगर मुझे ट्वेंटी एट ग्राम और सिक्स ग्राम को के जी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ किससे बेटा वन थाउजेंड से है ना और दोनों तरफ हम सेम ही चीजों को ले रहे हैं तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख पाएंगे कि ट्वेंटी एट के जी एन टू रियक्ट करेगा सिक्स के जी एच टू के साथ ठीक है ट्वेंटी एट के जी सिक्स के साथ करेगा तो वन के जी कितने के साथ करेगा बेटा वन के जी एन टू करेगा सिक्स बाय ट्वेंटी एट के जी एच टू के साथ तो आपको दिया कितना एन टू फिफ्टी के जी तो फिफ्टी के जी एन टू करेगा कितने हाइड्रोजन के साथ बेटा सिक्स डिवाइड बाय ट्वेंटी एट इन टू फिफ्टी इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसको कैलकुलेट करके आएगा बेटा टेन पॉइंट सेवन के जी एच टू लेकिन हमें दिया कितना है बेटा हमें दिया है टेन के जी ऑफ हाइड्रोजन तो इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन में जो एच टू है वो पहले खत्म हो जाएगा और अगर वो पहले खत्म हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या होगा बेटा एच टू तो एक आंसर तो आपके पास आ गया है यहां पर लिख देंगे लिमिटिंग रिएजेंट इज एच टू ओके लिमिटिंग रिएजेंट आया अब आपको बताना है प्रोडक्ट कितना बनेगा हमेशा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा क्यों क्योंकि उसके बाद जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है वो कितना भी एक्सेस में प्रेजेंट हो जो H2 पहले खत्म हो गया है उसके बाद तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 10 kg H2 है तो आपको कितना मास अमोनिया मिलेगा कैसे चेक करेंगे देखो वापस से हम रेशियो लेंगे स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का बेटा हम कह रहे हैं 6 g H2 से आपको मिलता है 34 ग्राम NH3 ठीक है ये बात ठीक है ओके okay. सो so, आपको दिया है बेटा 10 किग्री H2 यहां पर हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसको तो 10 किग्री में कितने ग्राम हो जाएंगे 10 into 1000 which is 10000 तो 10000 ग्राम H2 से आपको क्या मिलेगा बेटा 34 divide by 6 into 10000 ग्राम NH3 इतना अमोनिया वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा अब आपको बस इसको सॉल्व करना है बेटा कैलकुलेट करेंगे बेटा इसको कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो तो 17 डिवाइड बाय 3 10000 ग्राम NH3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.66 10000 10000 को क्या मैं लिख सकती हूं 10 1000 ऐसा क्यों कि बेटा मैंने अभी देखो 5.66 into 10 will be equals to 56.6 into 10 to the power 3 gram NH3. अगर मुझे इसको kg में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 थाउजेंड ग्राम्स सो डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 56.6 सिक्स of NH3. ठीक तो दे आंसर लिखेंगे बेटा अमाउंट ऑफ NH3 एस थ्री फॉर्म इन द रियक्शन अमाउंट ऑफ एन एस टू कितना हो जाएगा 56.6 सिक्स पॉइंट के जी ठीक है यह आंसर तो एक तरीके से तो बेटा हमने ये कर लिया कैसे किया मास को देख के दूसरा तरीका क्या है कि हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे मोल्स के टर्म्स में ठीक है अब मोल्स के टर्म में कैसे करनी है देखो सबसे पहले हम यहां पर सेम चीज लिखेंगे रिएक्शन N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस विल गिव यू twice of nh3 gas and to be very precise ये क्या होना चाहिए बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए ठीक है पहले वाले पे यहाँ पे हमने नहीं लिखा है ऐसा तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं समझ आई बात उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी लेकिन सही लिखना है बेटा ठीक है गड़बड़ नहीं करनी ओके अब यहाँ पे क्या करना है देखो सबसे पहले लिखो मास कितना दिया है मास आपको दिया है बेटा n2 का 50 kg एंड h2 का 10 kg ओके अब हम क्या करने वाले हैं मोल्स में कैलकुलेशन करने वाले हैं तो हमें यहां पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स 50 केजी का मतलब क्या हुआ 50 10 फिफ्टी इंटू टेन टू ग्राम दिस इज बाय मोलर मास कितना इन के लिए 28 H2 टू का कैलकुलेट करो 10 इंटू टेन टू दार थ्री ग्राम डिवाइड मोलर मास कितना बेटा 2 H2 है ना वहां पर तो 2 इंटू वन इज टू ओके इसको सॉल्व करके आएगा बेटा वन पॉइंट सेवन एट सिक्स इन टू टेन टू द्री और यहां पर कितना हो जाएगा? अब हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट वो कैसे करेंगे मोल्स को देख के और मोल्स कैसे पता चलेंगे स्टेक्योमेट्रिक को देख के सो वन मोल एन टू रियाक्ट करता है बेटा थ्री मोल एच टू के साथ तो यहां पर नीचे देखेंगे वन मोल एन टू विल रियक्ट विद्री मोल ऑफ एच टू आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए एन टू के वन पॉइंट सेवन एट सिक्स इंटू टेन टू दार थ्री सो अगर एक मोल तीन मोल के साथ रिएक्ट करता है तो जितने मोल्स आपने लिखे हैं ये कितने के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्री से ठीक है सो वन पॉइंट सेवन एट सिक्स इंटू टेन टू दार थ्री थ्री विच इज इक्वल थ्री मोल ऑफ एच टू ओके सो जितने मोल्स आपको दिए हुए बेटा नाइट्रोजन के उनको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 5.358 पॉइंट 10 फाइव एट इंटू 3 टू मोल्स चाहिए लेकिन आपको गिवेन मोल्स ऑफ H2 कितना है बेटा देखो आपको कितने मोल दिए हुए एच के आपको दिए हैं फाइव 10 to the power 3 mole H2 आपको गिवेन है तो H2 तो पहले ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन में नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा तो इसीलिए तो है। है तरीका थोड़ा डिफरेंट है वरना यहां पर भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया था H2 और यहां पर भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया है H2 टू डन अब क्या बताना है अब आपको बताना है कि NH3 जो है वो कितना फॉर्म हुआ होगा इस रिएक्शन में वो भी कैसे करेंगे बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोफिशियंट का रेशियो देखकर देखो थ्री मोल एच टू के साथ जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन तो आपको मिलेगा टू मोल्स ऑफ अमोनिया है ना थ्री मोल एच टू करता है तो आपको टू मोल्स ऑफ अमोनिया मिलता है तो यहां पर लिख लेंगे बेटा थ्री मोल एच टू विल प्रोड्यूस कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है थ्री मोल एच टू से टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो यहां पर लिखेंगे टू मोल एन एच थ्री ठीक ओके, सो वन मोल से कितना होगा बेटा टू बाई थ्री आपको गिवन कितना है फाइव इंटू टेन टू थ्री मोल एच टू से कितना अमोनिया मिलेगा आपको बेटा टू बाय थ्री इंटू फाइव इंटू टेन टू दी मोल्स ऑफ एन एच थ्री इतने मोल अमोनिया आपको मिल जाएगा ठीक है कैलकुलेट कर लो इसको कितना हो जाएगा बेटा टेन बाइ थ्री इंटू टेन टू द्री तो यह आएगा थ्री पॉइंट थ्री 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 इंटू टेन टू द्री मोल एन एच थ्री डन लेकिन ये क्या आया बेटा ये आया है अभी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना क्या है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म तो कैसे निकालेंगे देखो हमें पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर आपको क्या कैलकुलेट करना है मास कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है मोलर मास हमें पता है एन का तो कितना हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 3.333 पॉइंट थ्री 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 इंटू टेन टू दार थ्री इन मोलर मास कितना अमोनिया के लिए नाइट्रोजन इज 14 प्लस थ्री सेवनटीन इंटू सेवेंटीन ग्राम ऑफ एन थ्री ठीक है मल्टीप्लाई कर लो इसको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा या जाएगा आपके पास 56.61 सिक्स पॉइंट सिक्स वन इंटू टेन टू दार थ्री ग्राम एन थ्री इसको के में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स के जी ऑफ एन एच चेक करो क्या हमने जो पहले प्रोसेस से किया था उसमें भी सेम आंसर आया था बिल्कुल सेम आया बेटा ठीक है तो ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स के जी ओके तो हम दोनों मेथड देख चुके हैं आपकी एनसीईआरटी में जिस मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया है बेटा वो है ये वाला मेथड जो हमने अभी किया है मोल्स को लेकर वहां पर जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है लेकिन बहुत इजी है बेटा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो वो लैंग्वेज भी बहुत आसानी से समझ आएगी देखो क्या क्या दिया है यहां पर सबसे पहले क्या किया बेटा बैलेंस इक्वेजन लिखी है एन टू प्लस थ्री एच टू गिव यू ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री उसके बाद कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ मोल्स देखो यहां पर इन्होंने क्या किया बेटा डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से किया है 50 के जी को क्या करना है आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो यहां पर साइड में चेक करेंगे फिफ्टी के जी एन टू को मोल्स में चेंज करना है तो सबसे पहले तो किलोग्राम्स को इन्होंने चेंज किया है ग्राम्स में तो ग्राम्स में चेंज करना है तो एक किलोग्राम यहां से हटाना पड़ेगा तो इसको मल्टीप्लाई किया वन के जी एन टू एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा वन थाउजेंड ग्राम्स तो ऊपर लिख दिया इतना आ गया ओके अब क्या करना है हमें मोल्स में चेंज करना है तो ग्राम हटाना पड़ेगा तो ग्राम अभी यहाँ पे ऊपर है ना तो हमें ग्राम लिखना पड़ेगा नीचे तो देखो वन मोल एन टू में कितने ग्राम होते हैं बेटा ट्वेंटी एट ग्राम एन टू है ना अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो के जी से के जी कैंसिल ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना मोल ठीक है ये बिल्कुल वैसा है बेटा कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास गिवन मास कितना था 50 के जी उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू टेन टू पावर थ्री लिख दो डिवाइड बाय मोलर मास विच इज 28 तो सेम ही चीज है सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका बेटा अलग है ठीक है ये वाले तरीके से भी कर सकते हैं या फिर जैसे हमें फॉर्मूला आता है हम वैसे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक तो यहां पर देखो फिफ्टी के जी एन इंटू वन थाउजेंड ग्राम एन टू डिवाइड बाई वन के जी इंटू वन मोल एन टू डिड बाय ट्वेंटी एट ग्राम एन टू तो आपके पास कितना आया सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू दार टू मोल इसको हम कर सकते हैं किस में बेटा जैसे मैंने यहां पर इसको क्या किया है सेम टेन टू दार्ट थ्री में कन्वर्ट कर लिया है तो ये हो जाएगा टू मोल ठीक उसके बाद क्या किया हमने मोल्स निकाले हैं हाइड्रोजन के तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू इज टेन के जी सेम यहां पर भी डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया इंटू वन मोल एच टू डि पॉइंट जीरो वन सिक्स अब देखो बेटा हमने H2 के लिए यहां पर यूज किया है टू लेकिन इन्होंने कितना लिया है 2.016 ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीआरटी में पीछे पूरी एक टेबल गिवन है बेटा जहां पर सबके एटॉमिक मासेस आपको गिवन है तो इन्होंने वो एग्जैक्ट सेम एटॉमिक मास लेकर कैलकुलेशंस की होती हैं बट हमें सेम एटॉमिक मास तो याद होंगे नहीं तो इसीलिए आपको जो याद है वही लेकर करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है कि मोलर मास या एटोमिक मास इतना है टू तो आप उतना ही लेंगे अदरवाइज हम इसको सिंपल टू लेकर सोल्व करेंगे ठीक है कितना है बेटा पार थ्री मोल बट अकॉर्डिंग टू द अब इक्वेशन वन मोल एंड टू रिक्वायर्स थ्री मोल एच टू एक मोल N2 टू के साथ रिएक्ट करने के लिए तीन मोल एच टू चाहिए मोल्स ऑफ एच टू रिक्वायर्ड वुड बी तो देखो बेटा एक मोल के साथ चाहिए थ्री मोल तो 17.86 पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू के साथ कितने चाहिए होंगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से तो यहाँ वन मोल एन टू से वन मोल एन टू कैंसिल बचा कितना एच तो ये आया फाइव पॉइंट इंटू टेन टू द्री मोल एच बट आपके पास थे कितने आपके पास थे थ्री दैट वाय देखो यहां पर अच्छे से लिखा है बट वी हैव ओनली 4.96 पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू मोल एच टू हेन्स हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस

सो so, की जगह यहां पर है फोर पॉइंट टू कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा टू मोल एन एस थ्री डिवाइड बाई थ्री मोल एच टू ये कहां से आया बेटा यहाँ ऊपर वाली लाइन से ठीक है तो यह जाएगा थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन टू थ्री मोल एन एस थ्री इतना अमोनिया आपको मिल जाएगा लेकिन ये क्या है ये मोल है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा मास में

आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन बेटा आएगा वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू ली है जैसे 2.016 लिया है हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए लेकिन हमने टू लिया है ठीक है तो वो थोड़ी से वेरिएशन की वजह से ये इतना आंसर में वेरिएशन आ रहा है अदरवाइज हमने बिल्कुल ठीक किया है ठीक है कोई भी मेथड गलत नहीं है बेटा आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मास वाला मेथड है बेटा ये थोड़ा आसान होता है एस कंपेयर टू मोल्स वाला मेथड क्योंकि आपको पूरी बहुत सारे मोल्स निकालने पड़ेंगे फिर मोल को वापस मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बेटर है कि हम सीधा स्टेक्योमेट्रिक कोफिशियंट लिखे उसके बाद स्टेक्योमेट्रिक वेट लिखे और सीधा मास टू मास रिलेशनशिप देख ले ठीक है बेटा आपका जो मन करे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे बेटा दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे ठीक है तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर फाइव मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए बाय बाय